इलाहाबाद विश्वविद्यालय कभी ईस्ट का ऑक्सफर्ड कहा जाता था, लेकिन एनआरएफ की हाल में रिलीज हुई रैंकिंग में इलाहाबाद विश्वविद्यालय 100वें स्थान के अंदर भी अपनी जगह नहीं बना पाया है। आखिर क्या वजह है? बात करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों से, क्या वजह देखते हैं कि रैंकिंग में हम 100 के अंदर भी नहीं आ पाए? ये बहुत सारी वजह है और मुख्यतः जो एनआईआरएफ की रैंकिंग की जाती है जिस आधार पर, अगर यहाँ पर बात किया जाए तो शिक्षकों का और जो छात्रों का अनुपात है तो बहुत गड़बड़ है, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। 60% से ज़्यादा प्रोफेसर्स के पद खाली हैं, क्लासें रिसर्च स्कॉलर्स के भरोसे चलती हैं और कई बार वो भी नहीं चल पाती। बाकी ओवरऑल अगर मैनेजमेंट की बात की जाए, चाहे लाइब्रेरी की बात की जाए, वाईफाई की बात की जाए, जितनी भी सुविधाएं, मेडिकल सुविधाओं की बात की जाए, ये सारी सुविधाएं कागज़ पर हैं और उनकी बाकायदा फ़ीस वसूली जाती है। जब हम लोग फीस जमा करते हैं, फिर रिसीट में हर मद में पैसा जमा होता है, लेकिन अगर हम उनकी जानकारी करने जाते हैं कि क्या ये चीज़ें हो रही हैं तो पता चलता है कि शून्य। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बाकी साथी हैं उनसे भी पता कर सकते हैं। स्टूडेंट टीचर रेशियो खराब होने की वजह से शिक्षा की गुणवत्ता पर, आप लोग पढ़ाई पर क्या असर पड़ता है? जैसा कि जो रैंकिंग जारी होती है वो कई फैक्टर्स पर, मेजर फैक्टर ये भी है। और आप देख सकते हैं 2016 के बाद जो रैंकिंग है वो लगातार गिरी रही है। 2016 में 68 थी रैंकिंग एनआईआरएफ, लेकिन उसके बाद कभी भी टॉप 200 में अलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं आई है। तो इसका एक मुख्य कारण मैं समझता हूँ छात्र संघ का ना होना, क्योंकि जो स्टूडेंट्स की जो मांगे होती हैं, छात्र संघ अगर होता तो उसमें क्या शिक्षक थोड़े बढ़ जाते हैं? नहीं, शिक्षक नहीं बढ़ जाते, लेकिन शिक्षक जो अपना काम करते हैं वो पूरी तत्परता के साथ, पूरे मतलब ईमानदारी के साथ करते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर जैसा कि भाई ने बताया है, यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर क्लासेज ले रहे हैं और जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो यहाँ पर आ ही नहीं रहे हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा कारण पड़ता है, जो जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग काफ़ी नीचे जा रही है। और जो हमारी लाइब्रेरी है वो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बाद में बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप देख सकते हैं जो भी वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम वगैरह है, जो मेन गेट है, गेट नंबर 1, वहाँ पर जब बारिश होती है तो मतलब यहाँ तक पानी लगे घुटनों तक आ जाता है, तो काफ़ी आने जाने में प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद जो लाइब्रेरी है उसकी टाइमिंग आप देख सकते हैं, सुबह 10 बजे ओपन हो रही है और शाम को 8 बजे बंद हो जाती है। तो मतलब BHU की तरह वहाँ पर 24 आवर्स लाइब्रेरी ओपन रह रही है। तो कुछ यूनिवर्सिटी को दूसरी यूनिवर्सिटी से बिल्कुल सीखने की ज़रूरत है। कैसे बेहतर हो सकती है रैंकिंग आप लोगों की? चूँकि रैंकिंग बेहतर करना है, सबसे पहले टीचर स्टूडेंट का रेशियो बेटर करना। यदि आपके क्लास में 250 बच्चे एक टीचर ले रहा है, कैसे पढ़ेंगे? पीछे बैठे हैं, हो हल्ला करेंगे। एक टीचर है, 60 बच्चे 50 बच्चे पढ़ाते हैं आप लोग, पढ़ाते थे, लेकिन अभी जो हम लोग MA के छात्र हैं तो हम लोगों को टीचर ही पढ़ाते हैं। नहीं, फिर भी आप BA में था तो 300 बच्चे थे मेरे क्लास में, एक मैम थी, 300 बच्चों को एक टीचर कैसे मैनेज कर लेगा? यदि 50 बच्चे होते, 60 बच्चे होते तो बहुत अच्छे से हमें भी समझ में आता, जो टीचर है उसको भी पढ़ाने में अच्छा होता। यदि रैंकिंग बेहतर करनी है तो सबसे पहले है एटमॉस्फेयर बेटर करना होगा। एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं आएगा, एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं, लेकिन अच्छा हो सकता है। जैसे क्या है, कुलपति सभी प्रशासन कहते हैं कि बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, उन्होंने टीचर की जो वैकेंसी थी वो फिल की है, बहुत अच्छे से फिल की, लेकिन बच्चे भी तो देखिए भैया, 300 बच्चे क्लास में बैठ रहे हैं और आपका एक टीचर ले रहा है तो वो बेटर नहीं हुआ है। आप 50 बच्चे का एक क्लास कराइए, उनको सुविधाएं दीजिए, लाइब्रेरी है, हर डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी है, क्लास ऐसा हो गया तो कोचिंग क्लास ही है भैया, कोचिंग क्लास ही है, लाइब्रेरी हर डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी ले लीजिए। पहली बात, वो खुलती नहीं है, खुलती है तो जो मतलब जो PG कर रहे हैं उनके लिए खुलेगी, वो भी एक टाइमिंग है, 12 बजे से 5 बजे कोई लाइब्रेरी खुलने का टाइम है। सेंट्रल लाइब्रेरी ले लीजिए, 10:30 बजे से भाई बता रहे वो खुलती है और बंद हो जाती है 8 बजे। बच्चे कब पढ़ते हैं? रात में पढ़ते हैं। लाइब्रेरी की भी दिक्कत, लाइब्रेरी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ऐसे हर चीज़ में दिक्कत है। हेल्थ का तो ऐसा ही कुछ होता ही नहीं है, हेल्थ में किसी बीमार हो जाए तो होता ही, हेल्थ तो बात की बात है, हेल्थ को छोड़ ही दीजिए। किस तरीके से लाइब्रेरी की भी आपके दिक्कत बता रहे हैं स्टूडेंट्स की, लाइब्रेरी भी नहीं है? लाइब्रेरी का दिक्कत है सर, यहाँ पे लाइब्रेरी सर जो है बड़ी तो टाइमिंग उसकी सही नहीं है, ऊपर से सर जो बुक मिलनी चाहिए वो बुक सर अवेलेबल यहाँ पे बहुत बुक नहीं है, बुक्स भी नहीं रहती, बुक्स भी नहीं रहती। और दूसरी बात सर की टाइमिंग की है, और जो वहाँ पर जो प्रशासन है वो उतनी थोड़ा जो है सही तरीके से बर्ताव भी नहीं करते, मतलब कि बुक सही से मिल जाए। टीचर्स की कितनी कमी है, उसकी वजह से कितनी पढ़ाई? टीचर्स की कमी ऐसी है कि क्लास भी सस्पेंड हो जाती हैं और स्कॉलर कभी कभी पढ़ाने आ जाते हैं, मेन प्रोफेसर नहीं यहाँ पे पढ़ाते, असिस्टेंट ही पढ़ाएंगे, प्रोफेसर बहुत ही कम पढ़ाते हैं हम लोगों को। दूसरा, लाइब्रेरी की समस्या बहुत ज़्यादा है, लाइब्रेरी की समस्या आपको बता दूं सर,
तो उसमें मतलब चेयर बैठने के लिए नहीं मिलती, कुर्सी की कुर्सी उठा ले जाते हैं, मतलब टेबल पर बुकें रखी की रखी रह जाती हैं, और मतलब बुक्स भी मतलब उतना अवेलेबल नहीं है, जो बच्चों को चाहिए वो पढ़ने के लिए नहीं मिलता है, और जो हम अपनी किताबें वहाँ पे लेके नहीं जा सकते, मतलब मोबाइल से पढ़िए जो पढ़िए, कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे हैं लाइब्रेरी के अंदर। मतलब जो दिल जो करता है, जो मेरे अंदर जो जो मेरी घर पे जो बुक रखी हैं वो लेके नहीं जा सकता हूँ, कुछ ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि बच्चे लेके जा सकें। क्या इम्पैक्ट पड़ा है रैंकिंग नीचे जाना चाहिए? देखिए, रैंकिंग नीचे जाने के कई फैक्टर होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट को रन करने में, या उसकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है, जो NIRF रैंक की कमेटी आती है वो बहुत सारी चीज़ें देखती हैं कि यहाँ वीमेंस के लिए क्या स्पेस है, उसकी राइट्स के लिए क्या है, एकेडमिक रन कर रही है कि नहीं कर रही है, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आइडियोलॉजी पे बात हो रही है कि नहीं हो रही है, सोसाइटी रिसर्च अच्छी रिसर्च हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यहाँ डेमोक्रेटिक राइट्स है कि नहीं है, बहुत सारे फैक्टर हैं उस पर बात होती है। आप उसको देखेंगे तो उसमें संसाधनों का जो रिसोर्स है वो बहुत सीमित है, हालांकि बढ़ाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से फीस वृद्धि के नाम पे ये लोग कहे थे कि हम लोग रिसोर्स बढ़ाएंगे, खुद से जनरेट करेंगे, लेकिन इच्छा शक्ति विश्वविद्यालय प्रशासन की इच्छा शक्ति जो पहले से भी उदासीन थी, मर चुकी थी, और आज भी उसी स्तर पर बरकरार है, इच्छा शक्ति की बहुत बड़ी कमी है। सर कैसे किया सकते हैं इन सारी चीजों को? हाँ, बेहतर यही हो सकता है कि सर एक छात्रों का ग्रुप हो और एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप हो, संवाद हो, बढ़िया, किसी भी समस्या का समाधान संवाद होता है, किसी भी समस्या का समाधान संवाद होगा, अगर संवादहीन हो जाएंगे तो समस्या बढ़ेगी। इसका कितना असर देखते हैं? इतना ये असर है कि जहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत देखा जाता कि शिक्षकों और स्टूडेंटों की रेशियो बहुत अच्छी थी, इलाहाबाद ऐसे यूनिवर्सिटी में देखा जाता कि एक क्लास में एक टीचर पे 200-250 स्टूडेंट बैठते हैं, खासकर हिंदी इकोनॉमिक्स जो पॉपुलर सब्जेक्ट है उसमें देखते हैं भीड़ बहुत लगती है, और अब बच्चे अच्छे से बैठ नहीं पाते, पढ़ नहीं समझ में नहीं आता, कम्युनिकेशन नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी कम्युनिकेट नहीं कर पाते टीचर और स्टूडेंट आपस में, तो पढ़ाई भी उतनी लेवल की अच्छी नहीं हो पाती, रहा जाए व्यवस्था तो वो भी बेहतर नहीं है, बेहतर नहीं है कहा जाए तो, क्योंकि फीस वृद्धि हुआ था और ये हुआ था कि फीस वृद्धि हुई है तो डेवलपमेंट के कार्य चलेंगे यूनिवर्सिटी में वो नहीं हुआ, लेकिन वो देखने को तो मिल नहीं पा रहा है, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी दिखने को मिल रहा है, ग्रोथ हो रहा है, थोड़ी थोड़ी हो रहा है, लेकिन जल्द नहीं हो पा रहा है, इसकी हम लोग को खेद है। तो NIRF की इलाहाबाद विश्वविद्यालय की रैंकिंग को लेकर ज़्यादातर स्टूडेंट्स का कहना है कि शिक्षक और छात्र अनुपात बेहतर होना चाहिए, साथ ही साथ लाइब्रेरी की जो फैसिलिटीज़ हैं उन्हें भी दुरुस्त करना चाहिए ताकि छात्रों की पढ़ाई पर इसका सीधा असर ना पड़े। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।